चुनावी सरगर्मी को बढ़ाने के लिए अब बड़े नेताओं के आगमन का दौर शुरू होगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार का दौर समाप्त होने के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव में चुनावी जनसभा का दौर जारी रहेगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बिहार के कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभा की। बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कटिहार एक जमाने में अपनी टेक्सटाइल मिल के लिए मशहूर था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे इसे बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार को कुछ नहीं मिला, वो सिर्फ तोड़फोड़ कर सरकार बनाते रहे। आज फिर से बीजेपी जेडीयू मिलकर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे सावधान रहना है। कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी हासिल की और फिर देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी के कुछ उसूल हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिनकी रक्षा के लिए हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आरएसएस के एजेंडे को देश पर थोपना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन एक तरफ पेट्रोल डीजल आटा दूध सब महंगे हो गए हैं, दूसरी तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, क्या यही अच्छे दिन है? तो वहीं बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता अब लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो चुकी है और बदलाव चाहती है। हम मोदी सरकार के अन्याय और तानाशाही को हरा कर देश में न्याय की स्थापना करेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।